जालमों ने हमारी बेटी को अगवा करके जाति का निशाना बना के उसके बाद कत्ल कर दिया मुझे नहीं जानते थे और नहीं जाना कोई भी नहीं थी सब्जी लेने गई उसे गुप्त कर दी मैं कम्मा कार नहीं करता कभी ना मैं किसे करावा ना मैं जावा मैं बड़ी परेशान बस खत्म बिस्मिल्लाम असल नाजरीन मैं हूँ सरदार दिल मुस्तफ़ा आप देख रहे हैं आप टी वी नाजरीन मैं लाहौर के इलाका कहना में मौजूद हूँ जहाँ अठारह साल कोमल को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया कोमल घर से जो है सब्ज़ी लेने गई लेकिन घर वापस न आई जालमों ने कोमल को अगवा किया और अगवा के बाद ज़्यादी का निशाना बनाया और उसकी लाश जो है वो बाबा भले शाह के दरबार के पास जो है हस्पताल है वहाँ बाहर फेंक दी और जो है आज जो है कोमल की दो छोटी बहनें हैं वो भी परेशान दिखाई देती हैं और पूरे घर में करहम है और जो है कोमल के वाल साहब आशिक मोहम्मद आशिक वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं साथ उनकी वालदा भी हैं हम उनसे बात करेंगे और सारा वाक्य उनसे पूछेंगे आशिक भाई आपकी बेटी जो है अठारह साल कोमल बेदर्दी के साथ कत्ल कर दी गई क्या कहेंगे इस सारे वाक़े पर सर हमें इंसाफ चाहिए बस हम बहुत परेशान कोई बातें हमें करने नहीं आ रही हमें हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ चाहिए वो जालमों ने हमारी बेटी को अगवा करके ज्यादाती का निशाना बना के उसके बाद कत्ल कर दिया गया हमारी वजीर अदम पाकिस्तान और वजी अलम पंजाब से दरख्वास्त है कि हमें जल्द अज्द इंसाफ़ लेकर दिया जाए हम बहुत बेबस हैं बहुत बेबस हैं हमारी कोई बात नहीं सुन रहा जब हमने अखबार में सुरखी हमारी लगी है तो उसके बाद हमारे पास चैनल वाले आ रहे हैं अखबार थाने वाले भी आ रहे हैं अखबारों वाले भी आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं जब तक हमारे कोई चैनल पे वीडियो नहीं चली कोई हमारी खबर ख़ब, खबर नहीं आई हमारे पास किसी ने कोई सुनवाई नहीं की ना कोई आया ना कोई गया है तो आप तो ड्यूटी पर होंगे जब ये सारा वाक़ हुआ जब आपको इतला मिली तो आप पे उस टाइम क्या भी थी बस कुछ कह नहीं सकते बाप तो बाप ही होता है बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता लोग तरह तरह की बातें करते हैं गली महल में ये बेटी जवान सी इन्होंने पता नहीं था ये नहीं था वो नहीं था हम कुछ नहीं कर सकते अब खामोश हो गए हम तो खामोश हो गए मेरे साथ जो है कोमल की वालदा भी मौजूद मौजूदा हम इनसे बात करेंगे सलामकुम माँ जी बताएँ क्या सारा वाक़ा हुआ और जो है आपने बेटी को सब्ज़ी लेने भेजा लेकिन कोमल अभी तक वापस न आई बल्कि घर की बजाय वो कब्रिस्तान पहुँच गई जी सब्जी लेने गई थी नहीं आई आपने फिर उस बात में ढूंढने लग गए ना साहब भी ढूंढने लग गए बहुत आप परेशान आप उन तुलिस ताई जानने नहीं बात सुनते अच्छा आप ढूंढने लग गए जब पता चला कि वो घर नहीं आई घर से सब्जी लेने गई है फिर कैसे पता चला कहाँ कहाँ आपने ढूंढा उसको मैं गली महल्ले को सारा ढूंढा था कोई पता नहीं चला कौन लोग हैं जिन्होंने अगवा किया बच्ची को क्या पहले उनको जानते थे या उनका यहाँ किसी से आना जाना था कैसे अगवा किया और को क्या आप तक इतला पहुँची है मुझे नहीं जानते थे आने जाना कोई भी नहीं थी सब्जी लेने गई उतो ही गुप्त कर ली ए, उसकी डेड बॉडी मिली तो आपके क्या एहसास थे उस टाइम बहुत परेशान सब ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂਝੇ ਉਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ आपने तस्वीर भी पकड़ी हुई है कोमल की नाजरीन ये कोमल जो है अठारह साल उम्र है इसकी घर से सब्ज़ी लेने गई लेकिन जो है वो सब्ज़ी लेने ही गई और वापस ना आई तो आज उसके वालदेन जो है जो है गम की हालत में है और जो है इस हालत में उनसे बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गई है अच्छा बताएं क्या समझते हैं कि क्या कै, कैसी थी कोमल और अब ज़्यादा उसकी यादें आपके पास और कुछ यादें हमसे शेयर करें बस कर दी रौनक ख़त्म हो गई जुत्ती कपड़ा ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਾਬਾ ਜਾਰਿਆ ਸਵੇਜ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਸਵੇਕ ਕਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਨੇ ਸਵੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਿਆ ਨਾ ਕੋ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲਮਣ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 세 ਤਰਫਖਾਸਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਗਰ ਨੋ ਕੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਖ ਹੋ ਗਿਆ बिल्कुल नाज्रीन आपने सुना भी और देखा भी कि कोमल के वालद जो हैं वो गम की हालत में है और ये कोमल की तस्वीर है जो मेरे हाथ में है और ये वाद तस्वीर है इनके पास ये जो है मुफलिस और जो है मतवस्त तबके से घराना रखते हैं रोकने वाले ये लोग हैं जो कहते हैं कि बारह दिन से हम पुलिस के जो है थानों के चक्कर काटते रहे लेकिन जो है एफ़ आई आर भी बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई और जो है आज इंसाफ के ये मतलाशी हैं काश आइंदा पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़ ना हो काश कोमल जैसी मासूम बच्ची का दोबारा कतल ना हो काश कोमल जैसी मासूम बच्ची के वालदन को ऐसे दर बदर एफ आई आर के लिए थानों के चक्कर ना लगाने पड़े काश कोमल जैसी मासूम बच्चों के वालदान के यूँ आँखों में आंसू ना हो और काश कोमल जैसी मासूम बच्ची की छोटी जो बहनें हैं वो आज जो है इंसाफ के लिए शस्क ना रही हो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाँ खिदमत हूँ अल्लाह